हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से प्रति शिरडी, लेकिन हम लोग का जो रूट इस बार रहेगा वो हम लोग वागोली से निकलेंगे, चाकन जाएंगे और चाकन होते हुए प्रति शिरडी हम लोग जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग का रूट कैसा रहेगा। हम लोग केसनन रोड पे हैं और केसनन रोड से हम लोग केसनन जाएंगे, केसनन से लोनीकन, लोनीकन से फिर हम लोग राइट मारेंगे और राइट मार करके हम लोग आलंदी वाला रोड पकड़ते हुए चाकन जाएंगे। देखिए हम लोग अब आ गए हैं केसनन के तरफ, जो केसनन का जो चौक है ना वो चौक पे हम लोग आ गए हैं। इस चौक से हम लोग लेफ्ट मारेंगे तो लोनीकन निकल जाएंगे और राइट मारेंगे हम लोग तो हम लोग थ्यूर और थ्यूर होते हुए सोलापुर वाला हाईवे पकड़ लेंगे। बस यही चौक है, ये चौक से हम लोग लेफ्ट मारेंगे और सीधा निकल जाएंगे। हम लोग लोनीकन के चौक पे आ गए हैं, बस अब यहाँ से राइट मारेंगे और राइट मार करके हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे और 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर लेफ्ट मारना रहेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे आपके आलंदी वाले रोड पे। हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर निकल गए हैं, 2.5 किलोमीटर भी नहीं था, इनफैक्ट ये मुश्किल से 1.25 किलोमीटर था। 1.25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो देखिए राइट साइड में आपके दिखेगा, आपके सर्वो वर्वो का ऑयल का दिखेगा और ये देखिए यही रोड आपका जाता है आलंदी के लिए। तो हम लोग आलंदी वाले रोड पे मुड़ जाएंगे लेफ्ट लेकर के और स्ट्रेट हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग लगभग जो मेन हाईवे है, मेन हाईवे से 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और रास्ता अभी तक तो अच्छा ही है, रास्ते में तो कोई कमी नहीं दिख रहा है, रोड भी आपका अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा ट्रक्स और ये सब चल रहा है बट रास्ता ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आपका दिख ही रहा है, पूरी हरियाली ही हरियाली दिख रही है अगर आप देख पा रहे होंगे तो। लगभग हम लोग आधा रास्ता कवर कर लिए हैं, बस अब ये ब्रिज पार करेंगे, यहाँ से हार्डली आपका मंचर, मंचर से फिर आपका हम लोग निकल जाएंगे आलंदी। अभी हम लोग आलंदी के पहले पहुँचे हैं तो यहाँ पे थोड़ा रोड का काम हो रहा है, शायद रोड को ऊंचा कर रहा है। तो देखिए हम लोग आलंदी पहुँच चुके हैं, ये देखिए आलंदी जो है बाहर से ही देख पा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग आलंदी पहुंच गए हैं। बस अब यहां से हम लोग राइट मारेंगे और राइट मार के हम लोग चाकन निकल जाएंगे। अभी हम लोग आलंदी से जो राइट मारे थे और राइट मार के सीधा जा रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग अब चाकन पहुंच चुके हैं। तो हम लोग चाकन के लिए राइट मारेंगे तो चाकन निकल जाएंगे, पर हम लोग को जाना है प्रति शिरडी, तो प्रति शिरडी के लिए हम लोग राइट नहीं मार के लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मार के फर्स्ट राइट मारेंगे जिससे कि हम लोग आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया चाकन का है वो पार करते हुए सीधे महालुंगे इंगने से आगे निकल जाएंगे और आगे निकल करके वहाँ से फिर लेफ्ट मार के निकल जाएंगे। ये रास्ता क्या रहता है, सिटी का ट्रैफिक नहीं पड़ता है, पूरा खाली रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार इस रास्ते से जाने को डिसाइड किया है। देखिए चौक जो आ गया है ना, राइट मारेंगे तो चाकन और नासिक निकल जाएंगे, लेफ्ट मारेंगे तो आपका ये रास्ता भोसरी निकाल देगा। तो हम लोग लेफ्ट मार रहे हैं, लेकिन लेफ्ट मारने के बाद फिर करीब आपका देखिए सामने जो आपको सिग्नल दिख पा रहा होगा, अगर मैं जूम कर दूं तो ये देखिए, अगर मैं जूम कर रहा हूं तो आपको सिग्नल अभी दिखेगा, तो ये देखिए जो आपका ये वाला करंट जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल से हम लोग को राइट मारना है। देखिए अब हम लोग यहीं से राइट लेंगे तो फर्स्ट सिग्नल था, फर्स्ट सिग्नल से राइट मार के स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पुलिस चौकी भी मिलेगा। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मर्सिडीज़ की फैक्ट्री दिखेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस टावर के पीछे स्कोडा और फॉक्सवैगन का गाड़ी जब बनता है, आपको गाड़ी अगर दिख पा रहा होगा तो स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ जो बनती हैं वो आपकी यहीं पर बन करके रखाती हैं। और उसके देखिए ये जो गेट है ना, ये फॉक्सवैगन और स्कोडा का फैक्ट्री का गेट है पुणे प्लांट का। सीधा चलने के बाद अभी हम लोग को राइट मुड़ना है, मतलब राइट क्या, रोड ही अपने आप राइट घूम जाएगा और राइट घूमने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सीधा चलेंगे और सीधा जाने के बाद फिर फर्स्ट लेफ्ट लेंगे। बस यहीं से हम लोग को लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेकर के हम लोग को सीधा जाना है और सीधा जाने के बाद फिर यहीं से डेड एंड, ये जो आपका लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट जो हमने लिया है उसे स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाने के बाद फिर डेड एंड, डेड एंड से राइट और राइट के बाद फर्स्ट लेफ्ट। हम लोग चौक पे आ गए हैं जिस चौक का हमने बात किया था, बस अब यही चौक से हम लोग को आपके राइट मारना है। राइट अगर मारेंगे हम लोग तो हम लोग महालुंगे निकल जाएंगे, लेफ्ट मारेंगे तो हम लोग सीधे आपका चिंचवड़ के आगे निकल जाएंगे, बोला जा सकता है अकुर्डी के पास निकल जाएंगे।
यही वाला चौक है, देखिए ऊपर अगर आपको बोर्ड दिख पा रहा होगा, ब्लू कलर का बोर्ड है, तो देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, अभी तो हट गया, अब तो यहीं से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेके तलेगांव की तरफ जाना है। अभी हम लोग चाकन तलेगांव रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक इस रोड पे बहुत रहता है यूजुअली, तो थोड़ा आराम से ही चलना पड़ता है। आप देख रहे होंगे सिंगल हाईवे है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग आराम से करीब देखा जाए तो 30 की स्पीड में हम लोग आराम से ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग तलेगांव आ गए, अब बस तलेगांव से प्रतिशिर्डी हार्डली 8 किलोमीटर हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 किलोमीटर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग तलेगांव तो पहुँच गए, बहुत ही आराम से हम लोग चले हैं, तो लगभग 3:30 के आसपास वाघोली से निकले थे, अभी 5 बज रहा है, तो अभी तक हम लोग पहुँच ही रहे हैं। पर ये रोड आपका जो पूना वाला रोड है जिससे हम लोग जाते हैं जनरल में, उससे ज़्यादा बेटर रोड रहता है, ये रोड कम से कम खाली मिलता है, थोड़ा 20-15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, पर ये रोड खाली पड़ता है और डिस्टेंस और टाइम वाइज 10-15-20 मिनट का बस फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। उधर भी अगर कार से आप जा रहे हैं तो लगभग 1.5-2 घंटा के आसपास आपको लग जाएगा, इधर भी लगभग 1.5-2 घंटा लगा, हम तो बहुत ही आराम से चल रहे हैं, तो उसके बाद भी आपका 1.5-2 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा। बीच में हमने थोड़ा ब्रेक भी लिया था करीब 15-20 मिनट का। अब आगे चौक मिलेगा, चौक से हम लोग राइट मारेंगे तो लोनावला, लेफ्ट मारेंगे तो हम लोग प्रतिशिर्डी, तो हम लोग पुणे की तरफ बढ़ेंगे जो प्रतिशिर्डी की तरफ है। आइए चलिए आगे मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं चौक पे, चौक से हम लोग राइट मारेंगे तो चले जाएंगे हम लोग लोनावला और लेफ्ट मारेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे पुणे की तरफ, इनफैक्ट देहू रोड की तरफ वाले रोड को पकड़ना है। अगर आपको बोर्ड दिख रहा होगा तो लेफ्ट साइड में बोर्ड था, बोर्ड जो हम लोग पार किए हैं, देखिए सामने बोर्ड है, और बोर्ड से हम लोग राइट मारेंगे तो बॉम्बे और लोनावला, लेफ्ट मारेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे पुणे वाले रोड से ही प्रतिशिर्डी। आपको सामने दिख रहा होगा तो जो सोमानते फाटा जो है वहीं से हम लोग को लगभग राइट मारना है, तो 4 किलोमीटर हम लोग को ड्राइव करना है। और अगर आप देख पा रहे होंगे, अभी तो खैर पेड़ आ गया है, पर अगर आप देख पा रही हो, देखिए अभी आपको आगे दिखेगा, अभी हम लोग पहले चलेंगे ये वाले गणपति, इनके दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रतिशिर्डी। अभी आपको यहीं से आप राइट मारेंगे और राइट मार करके प्रतिशिर्डी के लिए चल जाएंगे। और आप जैसे मुड़ेंगे देखिए ऊपर में साईं बाबा का बोर्ड है, वो बोर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सीधा प्रतिशिर्डी जाना है। प्रतिशिर्डी वाले रोड पे ही आपको सेकंड लेफ्ट लेना है, देखिए यहाँ पे आपको एक दुकान भी दिख जाएगा और यहीं से आपको लेफ्ट लेना है, और सामने एक केक शॉप भी है। आप जैसे ऊपर पहुँचेंगे वहीं पे आपको लेफ्ट साइड में कार पार्किंग मिल जाएगा। तो फाइनली हमने कार पार्क कर दी है, अब हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। यहाँ से ऊपर जाने के लिए टोटल जो सीढ़ी पड़ता है वो 179 सीढ़ी है, ये जो ऊपर दिख रहा है वो सीढ़ी है, थोड़ा सा ही चढ़े तो ये देखिए व्यू। ऊपर में चप्पल स्टैंड भी बना हुआ है, और कार पार्किंग जो चार्जेस रहता है 15 रुपीज़ दिया है कार पार्किंग का, ये देखिए यहाँ पे। चलिए ऊपर दर्शन करते हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है, वो देखिए पूना, अगर आप देखते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत है पूना, पूरा ग्रीनरी, पूरा बारिश के बाद का समय है तो ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही है। गणपति की एक परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रतिशिर्डी की तरफ। फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रतिशिर्डी की तरफ। ये वाला जो ब्रिज है, ये ब्रिज को बस आप चढ़ेंगे, देखिए आपको अगर ऐसे तो आपको नहीं दिखने वाला है, बट अगर आप देख पा रहे होंगे गाड़ी जाते हुए तो ये बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे है, दिख रहा होगा अगर आपको, तो
ये है बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से एक्सप्रेसवे के ऊपर से ही हम लोग अभी जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, एक झलक आपको दिख सकता था बट आगे बढ़ गए। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे है और हम लोग एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहे हैं। बनाया हुआ है कि आप एक्सप्रेसवे पे ना चढ़ करके ऊपर से आप जाएं। बस अब प्रतिशिर्डी हम लोग आ ही गए, बस अब हम लोग आ गए हैं प्रतिशिर्डी। यहाँ से लेफ्ट मारेंगे और प्रतिशिर्डी के दरवाजे पे पहुँच जाएंगे हम लोग। ये मारा हमने लेफ्ट, आज तो भीड़ नहीं ऐसा लग रहा है, पूरा ही खाली। चलिए आगे पार्किंग है, आगे पार्किंग लगाया जाए गाड़ी। आज हम लोग घुस रहे हैं प्रतिशिर्डी के पीछे वाले दरवाजे से। ये देखिए, ये कोई महाविद्यालय है और हम लोग पीछे के रास्ते से घुसेंगे। यहाँ पे आपके जो प्रसाद होता है, प्रसाद मिलता है। और सामने जो है देखिए, जो प्रतिशिर्डी का है वो मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है। तो हम लोग इस रास्ते से आज घुसे हैं और इस लगता है मीनाक्षी हम लोग आज बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। अभी द्वार ही नहीं खुला है, खुल गया। चलिए अच्छा है, आते हैं दर्शन करके हम लोग अंदर में मंदिर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये प्रसाद काउंटर है। यहाँ पे 100 रुपये में 4 लड्डू मिलता है, लगभग आधा केजी के आसपास रहता है, अच्छा लड्डू रहता है। और ये जो है ये गुरु स्थान है, आप देख पा रहे होंगे ये गुरु स्थान है। देखिए ये जो मुख्य दरवाजा है, यहाँ से आप जैसे घुसेंगे आपके दाहिने साइड पे पहले गुरु स्थान मिलेगा और गुरु स्थान के बाद फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मंदिर के प्रवेश द्वार में आप एंटर करेंगे। ये वाला ही देखिए, ऐसा पैकेट रहता है प्रसाद का। देखिए ऐसा पैकेट रहता है प्रसाद का, ऐसा हमने 2 पैकेट ले लिए है। लगभग बोला वजन पे तो नहीं रहता है, लेकिन लगभग मैंने एक बार नापा था तो 400 ग्राम के आसपास निकला था, 400-450 ग्राम यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको कूपन दे करके एंटर करना है और फिर आपको प्रसाद के लिए अंदर चले जाना है। ये है आपका जो हम लोग कूपन कटाते हैं उसका प्रसाद, ये है। चावल मैंने नहीं लिया है। जो सिटिंग एरिया है प्रसाद में, यहाँ खाते हैं वो ये। ये है एग्जिट, जब प्रसाद खा के आप निकलेंगे तो एग्जिट रहेगा और आपको गोल घूम के जाना पड़ेगा। और आप देखिए पूरा गोल घूम के जाएंगे, रास्ता से लेफ्ट मारेंगे और लेफ्ट मार के जाएंगे। देखिए बनाया बहुत सुंदर है, दिखता बहुत अच्छा है ये। इवन बाउंड्री वॉल भी इसके मैचिंग का किया है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए और ये देखिए, बाउंड्री वॉल में भी पूरा मैचिंग किया हुआ है। बाकी दिखता तो अच्छा है, प्रसाद खाने में बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग प्रसाद खा लिए, दर्शन भी हो गया, तो अब हम लोग वापस फिर वाघोली की तरफ ही बढ़ेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए ब्लॉग पे।